अम्मी अम्मी बोल के गई है कि अभी 11 बजे का उठा देना, फिर तू लोग उठ उठो, 2 मिनट 5 मिनट नहीं उठ 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 प्लीज उठने उठ, 11 बज गया है अब, नाश्ता करके फिर सो जाना, उठ उठ अमीना उठ, ब्रश कर जो तो बेटी जो तो, पहले तू कर तो ब्रश, फिर ये कैसे नहीं उठता है देखते, 11 बज गया अम्मी बोली है नाश्ता दे देने 11 बजे, और नहीं तो मेरा पैर दुखना है। हाँ तो पैर हम एक बार माल दिए ना, फिर ना अभी नाश्ता वास्ता करके फिर हम माल देंगे, जो जल्दी ब्रश कर उठ। उठेगी तब ना, जाके ब्रश कर। ए इरफान पहले तू ब्रश करके निकल अभी ना, जो जल्दी जो, आज शनिचर है, खिचड़ी बन रहा है, खिचड़ी शॉर्टकट में गांव का जैसा। तो हम लोग का खिचड़ी बन गया है, इसको सरसों का तेल से छोंका गया है और एक एक चम्मच इसमें घी डाला गया है, देसी घी। अब ये लोग शनिचर का दिन है, हम घर में रहते हैं तो खिचड़ी बनाया जाता है। इसमें मूंग का दाल है, रहड़ का दाल है और तुअर का दाल है, और क्या बोलते हैं, 2-3 किस्म का दाल है। हम लोग बाप बेटी बाजार जा रहे हैं सामान लाने। हाँ ये रहा मुंबई की शाम, भंगार बाजार, भंगार मार्केट, और हम लोग जा रहे हैं अरब गली। पहले एटीएम में जाएंगे, पैसा निकालेंगे। ये देखिए अभी जितने भी भंगार वाले हैं सब आएंगे इधर, देखिए सब। ये है भंगार मार्केट, मेरे पीछे में भंगार मार्केट है। क्या नजारा है, गजब नज़ारा है शाम का, ये होता है मुंबई का एकदम दृष्ट वाला नज़ारा। ये देखिए, और इधर मेरे मेरे पीछे में सिर्फ भंगार मार्केट है, अजान हो रहा है, मुंबई का अजान सुनाते हैं, अजान सुनिए मुंबई का। चलिए अजान हो रहा है तो जब तलक के लिए बंद करते हैं। ये साइकिल का दुकान है देखना, अभी नहीं हम लोग घर जाएंगे तब लेंगे ना, यहाँ लेंगे तो फिर चोरी हो जाएगा गली में। ये एटीएम है, रुको अभी फालूदा पार्सल अभी चल रहा है अमीना का, अपना भाई के लिए भी ले ले रही एक तो। ये है फालूदा वाले मुंबई के, और ये है अरब गली सिंगल। अब बस देखो, वाओ नाइस, गजब यार क्या नज़ारा है दोस्तों। दोस्तों गुड मॉर्निंग, घर में थे कल, सैटरडे था, और दिन भर घर में रहे, खाना खाए, ब्लॉगिंग किए, शाम को बाज़ार गए बेटी के साथ, फालूदा लाए, सब्जी लाए, बनाए खाए, रात को निकल गए थे घर से कंपनी में, और फिर वीडियो नहीं बनाए थे। रात को 2 बजे कंपनी आके पहुँचे, बहुत ट्रैफिक था, अब मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, मेरा बेटा बेटी कार्टून देख देख के ख़त्म कर दिया था। यही एक छोटा सा पंखा चलता है गाड़ी में, और रात को बारिश हुई थी, एकदम ठंडा ठंडा मौसम था, बड़ा मस्त सोए हैं, गजब सोए हैं। अब उठ रहे हैं, जाके ब्रश करेंगे, सामने मेरा बाथरूम है देख सकते हैं, नहाने का धोने का, पेशाब उशाब करेंगे, मुँह हाथ धोएंगे, फिर चलेंगे बाहर, दिखाते हैं नज़ारा बाहर का, बने रहिए वीडियो में। जी हाँ।
यही है सर जी कंपनी स्कॉर्पियन एक्सप्रेस लिमिटेड, जहाँ पे हम गाड़ी लेके रोज़ आते हैं रात को और दिन को चले जाते हैं सुबह, गाड़ी वहाँ ऑफिस में लगा के फिर हम दिन भर घर पे होते हैं, अगर दिन का ड्यूटी डिलीवरी का नहीं रहता है तो। ये सामने ये निकलने का है रास्ता, लेकिन कंपनी वाले ने पार्किंग बना के रखा है ये वाला। हम इधर से निकलेंगे बाहर दिखाते दिखाते, चाय पीने जा रहे हैं हम, अभी सो के उठे हैं। अब सारी ड्राइवर का गाड़ी लगा है, किसी का लोड हो रहा है, कोई पंखा चला के सो रहा है, यही है जिंदगी। देखिए कोई कोई ऊपर में तिरपाल बांध रहा है, ऊपर देखो बरसात आने वाली है ना, बरसात आने से पहले पूरा तैयारी। ये जो कंटेनर का ऊपर में जो तिरपाल बांधते ना, पानी नहीं, नीचे पानी नहीं घुसेगा इसके लिए। खाना बना रहा है दोस्त लोग इधर, तो देख सकते हैं कि हम रोड के ओर निकल चुके हैं और ये रहा कंपनियां बहुत बड़का, ऊपर में लिखा है स्कॉर्पियन, ये सब गाड़ी में स्कॉर्पियन, ये गाड़ी में सब, मतलब ये सब गाड़ी भी एक कंपनी में चलती है कॉन्ट्रैक्टर का थ्रू, इसके लिए इसमें नाम नहीं लिखा है, जो कंपनी का गाड़ी है उसमें स्कॉर्पियन नाम लिखा रहेगा। देखिए ये कंपनी का गाड़ी है, इसमें नाम लिखा है। तो गाइस रोडवा में आ गए हैं, और रोडवा में बड़ी सावधान से जाना पड़ेगा, नहीं तो रेल देगा खिला जाएंगे सीधे भगवान के पास बिना टिकट का। 12:30 बजे सो के उठे हैं राजा। ओ जा रहे, अभी चाय पियेंगे, संडे है, कल घर में एंजॉय किए थे बेटा बेटी के साथ, खिचड़ी बनाए थे खाए थे, आज संडे है, आज कंपनी में गाड़ी फंस गई रात को। हर संडे को मेरा गाड़ी फंसती है, रात को लोड देता नहीं, क्योंकि मुंबई में प्रभा देवी में अपना ऑफिस बंद रहते ना, इसके लिए रात को लोड देता नहीं, तो संडे को यहीं पे चाय वही पीते हैं। ये देखो इधर अभी आए हैं चाय पीने, मज़ा करने, पूरा गाड़ी ही गाड़ी मिलेगा यहाँ, मतलब सिर्फ सिर्फ ड्राइवर ही ड्राइवर मिलेगा। हाँ ये तेरा लिया वीडियो आज हम ले लिया, यही मित्रा चाय दिया है। और ये है टायर का मेहनत मशक्कत, भाई देखते हो कितना टायर वाले हैं यहाँ, 4-5 है टायर मिस्त्री काम करने वाले, ये टायर वाले का रूम है। बारिश हो गई है दोस्तों, बारिश होने के कारण क्या समझे, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, ठंडा ठंडा मौसम है, नहीं तो ये टाइम में तो भाई फट जाती थी अपनी, क्या समझे, ये टाइम में इतना गर्मी लगती थी इधर, इतना गर्मी और धूप, स्टीम मत पूछिए, बहुत ज़्यादा। लेकिन पानी हो गया रात को, दबा के हुआ था बारिश, और यहाँ पे हम लोग डीजल लेते हैं रात को, रात को यहाँ डीजल लेने आते हैं, और बहुत ही मतलब ड्राइवर का और ज़िंदगी क्या है, डिफ़िकल्ट वाला ज़िंदगी है, जब तक जीवित हो तब तक डीजल लो, गाड़ी चलाओ, माल यहाँ से वहाँ पहुँचाओ, और बाकी कोई ना कोई दिन मिस्टेक होना है तो खबर आ जाएगा, क्या समझे। यहाँ भी दोस्त वाला है टायर वाले, टायर ठोक रहे हैं, हमको खाना पार्सल लेना है। और दोस्तों खाना ले लिए हैं पार्सल, यही है, रोड काम भी चल रहा है, और ये एसी फ्रिज का दुकान है, बड़ा गर्दी रहता है यार यहाँ, संडे का दिन सब आते लेने, तो वो वाले गेट से निकले थे, ये वाले गेट से अंदर जा रहे हैं। इधर भी कंपनी की गाड़ी एक लगा है स्कॉर्पियन, यही है कि दोस्तों कल बेटा बेटी के साथ खिचड़ी खा रहे थे घर में, सैटरडे था, आज संडे, आज कंपनी में पड़ गए, रात को बारिश आई थी, चादर थोड़ा भीग गया, सुखाए हुए हैं, रोटी लाए हैं, आलू परवल का भुजिया है, प्याज है, मिर्चा है, रोटी है, दाल है, चावल है,
खाना है, पानी है, और उधर सब ड्राइवर बियर पी रहा है, मगर मेरा वो सब आदत नहीं है। यही है ड्राइवर का जीवन। हम अपने फैमिली, परिवार, बच्चे के लिए इतना मेहनत करते हैं और फिर बड़े होके बच्चे बाप माँ को भूल जाते हैं। मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। कुछ दिन पहले मैं भी माँ बाप को भूल गया था। बात हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, अभी तड़पते हैं। अभी मेरे पापा मम्मी मुंबई आने वाले हैं मेरे पास, मेरे घर पे होंगे पापा मम्मी। मम्मी का तबीयत ख़राब रहता है, डॉक्टर दिखाना है। मेरा अच्छा कंपनी में जॉब है ड्राइवरी का, पैसा अच्छा मिलते हैं। मेरे अमोद भाई जो ये गाड़ी जो मुझे पघार देते, मेरे अमोद भाई सिर्फ मैसेज कर दो, अमोद भाई 2000 पैसा चाहिए, 10 मिनट के अंदर में पैसा मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। थैंक यू अमोद भाई इतने सपोर्ट करने के लिए। बट अमोद भाई, मैं आपको आसमान तक लेके चले जाऊंगा। मैं इतना अच्छा मेहनत करने वाला लड़का हूँ, इतना अच्छा गाड़ी चलाता हूँ अपना तारीफ मैं खुद करता हूँ, मेरा तारीफ कोई नहीं करता, मैं अपना तारीफ खुद कर लेता हूँ, मुझे तसल्ली आ जाती है। बट मैं ना दारू पीता, कभी कभी सिगरेट पीता हूँ बाथरूम जाता हूँ तो, हाँ कभी कभी पान खाता हूँ, बाकी ऐसे कुछ मेरा नशा नहीं है। खाना खाता हूँ, क्लीन रहता हूँ, अच्छा जीवन जीता हूँ। और मैं सारे ड्राइवर से एक ही बात कहूँगा, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, अपने सेठ को, अपने धनी को आगे बढ़ाओ, थोड़ा बहुत चोरी चमारी कर लेना, हम ड्राइवर हैं जानते हैं। बट हमारा लोकल गाड़ी है, हम ईमानदार बन चुके हैं। सही बोल रहा है मैना भी। देखिए, ड्राइवर अगर 500 चोरी कर ले उसको तसल्ली हो जाता है, क्योंकि वो दारू पीता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है। इसके लिए ड्राइवर अमीर होते हैं सब, देखते हो ना फटीचर। बट मैं एक ही बात बोलूँगा, मालिक का 500 चोरी कर लो, दारू पी लो, सो जाओ, लेकिन दारू पी के गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि घर में बीवी बच्चा सब इंतजार करते हैं यार। चलिए खाना खाते हैं, फिर बात करते हैं। शाम का 3 बज रहा है, जा रहे हैं पान खाने उधर, वो पेट्रोल पंप का उधर जा रहे हैं पान खाने के लिए। मन कर रहा है बैठे बैठे पान खाने का, तो अब मेरा मोबाइल भी ज़्यादा चार्ज नहीं है राजा जी आज, और चार्ज ना होने का कारण अब जो है कि यहाँ से हम शाम का 9-10 बजे रात का मेरा गाड़ी लोड हो जाएगा, 12 बजे निकलेंगे ना सुबह निकलेंगे पता नहीं, फिर मुंबई पहुँचेंगे तो ये वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग जरा गौर फरमाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा राजा जी। अब तो चार्ज नहीं है मेरा मोबाइल राजा जी, अगर हम वीडियो नहीं बना पाए राजा जी तो यहीं पे अपने वीडियो को दी एंड करते हैं राजा जी। यही कंपनी का गेट में खड़ा होकर वीडियो बना रहे हैं राजा जी। बस राजा जी अलविदा कहते हैं राजा जी, बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करें राजा जी। ओ